अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास, हम एक्सरसाइज 5.1 कर रहे थे, उसका 13 क्वेश्चन देखें। 0.6 मल्टीप्लाई बाय 3.9 मल्टीप्लाई बाय करली ब्रैकेट 0.5328 डिवाइड राउंड ब्रैकेट 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001। हम क्या करेंगे, हमें पता है पहले हमने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है, तो पहले राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर करली को करना होता है, और फिर उसके बाद हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इन सब को ऐड कर दें तो हमारे पास आंसर आएगा 0.111। फिर जब हमारे पास राउंड ब्रैकेट खत्म होती है तो हमारे पास कर्ली ब्रैकेट आ जाती है, कर्ली ब्रैकेट में 0.5328 को डिवाइड कर देते हैं 0.111 पे, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 4.8। अब हमारे पास कर्ली ब्रैकेट भी ख़त्म होगी तो 3.9 को हमने मल्टीप्लाई करना है 4.8 के साथ। जब हम 3.9 को मल्टीप्लाई करेंगे 4.8 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18.72। उसके बाद हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट भी खत्म होगी तो 18.72 को मल्टीप्लाई कर देना 0.6 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11.232। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14 है, 4.4238 डिवाइड स्क्वायर ब्रैकेट 1.047 प्लस कर्ली ब्रैकेट 1.111 मल्टीप्लाई बाय 9.261 डिवाइड 5.232 प्लस 2.345 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 1.01। पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, हम मतलब बार को देखे तो ये बार इसके ऊपर है, तो ये पहले हम ऐड कर लेंगे, ऐड करके हमारे पास ये आंसर आया। फिर राउंड ब्रैकेट को, राउंड ब्रैकेट में हम पहले क्या करेंगे डिवाइड, डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.1908। फिर राउंड ब्रैकेट ख़त्म होगी, उसके बाद हमारे पास आ जाती है कर्ली ब्रैकेट, तो कर्ली ब्रैकेट में हमारे पास ये वाली ब्रैकेट यहाँ पर नहीं आती, ठीक है, ये हमारे पास ऐसे ख़त्म हो गई है। हमने पहले मल्टीप्लाई कर लेना है, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 1.323। फिर उसके बाद हमने स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो ये प्लस कर देना है, प्लस करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 2.37। फिर हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट भी ख़त्म हुई तो ये डिवाइड 4.4238 डिवाइड 2.37 मल्टीप्लाई 1.01, तो पहले डिवाइड करेंगे तो आंसर ये आएगा 1.868, फिर उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1.01 के साथ तो आंसर आ जाएगा 1.885। क्वेश्चन नंबर 15 है, 100.014 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 2.3584 डिवाइड कर्ली ब्रैकेट 0.044 डिवाइड 8.25 माइनस 5.235 प्लस 1.255, ठीक है, इसके ऊपर भी बार है ये इस वैल्यू सारी के ऊपर, तो पहले हम बार को सॉल्व करेंगे। तो बताया था यहाँ पे अगर माइनस हो तो अंदर वाला साइन भी क्या होता है, चेंज हो जाता है, तो माइनस है तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस। अब हम पहले माइनस वन से हमें पता है प्लस होता है, इन दोनों को काटें तो हमारे पास आंसर आएगा 6.49। फिर उसके बाद हमने राउंड ब्रैकेट को करना है तो उसमें हमारे पास 8.25 माइनस हो जाएगा 6.49 के साथ, अब इसे माइनस कर दिया तो हमारे पास आंसर आएगा 1.76। अब कर्ली ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट में 0.044 डिवाइड हो रहा है 1.76 के साथ, तो हमारे पास डिवाइड करने के बाद आंसर आ जाएगा 0.025 और 2.3584 डिवाइड, इसके ऊपर ये दोबारा से डिवाइड हो जाएगा, जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट भी ख़त्म हो जाएगी। अब 100.014 में से माइनस कर देना 94.336 तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 5.678। आपकी यहाँ पे एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गई है।